ऐसे रॉ इट्स ऑल नेचुरल शुगर जो इसके अंदर है विच वुड कैरमलाइज द फ्रूट्स सो दैट्स एग्जैक्टली व्हाट आई वांट जो मेरे पास सारे फ्रूट्स हैं इनके अंदर एक नेचुरल शुगर होता है जो कैरमलाइज होता है धीरे धीरे वही है जो सबसे ज्यादा टाइम लेता है इतना ऑर्गेनाइज लग रहा है उनका काउंटर सच्ची में हम होते तो अब इस पूरे सामान का टेस्ट मिस कर देते यू आर सो काम एंड कंपोज्ड कि लग ही नहीं रहा कि वो टेबल पे खाना कुछ ग्रिल कर रहा हूँ मैंने को टैप किया थोड़े रोजमेरी के साथ क्योंकि थोड़ा रोजमेरी का अरोमा थोड़ा हर्बी फ्लेवर भी चाहिए मेरे को इस डिजर्ट में देख रोजमेरी के साथ उसको स्मोक कर रहे हैं ताकि उसका फ्लेवर भी आ जाए ये दिमाग हम तक नहीं चल जब वो ग्रिल कर रहे हैं हम लोग देख रहे हैं कि वो फ्रूट्स को मिर्जा प्लेट में भी इतनी बारीकी से सजा के रख रहे हैं तो मैं अपनी नजर में उनसे हटा नहीं पा रहा हूँ कि इतनी अच्छे से इतनी बारीकी से काम कर रहे हैं शेफ अभी बहुत टाइम है कुछ और भी बना लो नहीं यू नो कभी कभी डिशेस में जितना होना चाहिए उतना ही होना चाहिए जब क्लीन फ्लेवर होते हैं सब कुछ होता है आई थिंक यू शुड जस्ट स्टॉप ओवर दैट जो मैंने डिश बनाया है वो स्वीट तो है पर वो कट डाउन करेगा जो बाकी एलिमेंट्स जो स्वीट है तो यही मेरी फिलॉसफी है इस डिश के लिए अकॉर्डिंग टू माई डिश मेरे पास कलाकंद है जो मैंने बना दिया है जिसके अंदर थोड़ा वाइट चॉकलेट है वो भी बन गया है गुड़ का कैरेमल है जो थोड़ा खट्टा मीठा है वो भी हो गया सबसे ज़्यादा टाइम वही ग्रिलिंग में लगता है क्योंकि आप ये नहीं चाहते कि फ्रूट्स मेल्ट हो जाए उसका खुद का शेप रहना चाहिए और सारा फ्लेवर रहना चाहिए